नमस्ते शार्क्स। नमस्ते। मैं पुलकित आहूजा, मैं एक सीरियल एंटरप्रेन्योर, ऑथर और इन्वेंटर हूँ। शार्क्स, मैं इंद्रजीत हूँ, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ और हम हैं टीम प्रॉक्सी। द्वापर युग में महाभारत के समय संजय के पास एक दिव्य दृष्टि थी जिससे धृतराष्ट्र कुछ भी कभी भी जान सकते थे। आज हजारों साल बाद कलयुग के भारत में प्रॉक्सी एक ऐसी मेड इन इंडिया पेटेंटेड टेक्नोलॉजी लाया है जिससे ना सिर्फ आप कहीं भी कुछ भी जान सकते हैं बट अपना लाइव असिस्ट बुक करके कहीं भी कुछ भी देख सकते हैं। आपको एक साथ हर जगह होने के लिए प्रॉक्सी की ऐप डाउनलोड करनी है और अपनी मनपसंद जगह पे प्रॉक्सी बुक करना है। लेकिन पुलकित, ये एक फोन की नॉर्मल वीडियो कॉल से डिफरेंट कैसे हुआ? बहुत डिफरेंट है इंदर। अगर कोई फोन कॉल करता है तो जो रिसीवर है उसका एक हाथ हमेशा फोन को पकड़ने में बिजी रहता है। बहुत ज्यादा जिटरी एक्सपीरियंस होता है। अगर आप किसी को फोन कर रहे हैं तो आपके पास उसका कॉन्टैक्ट पहले से होना चाहिए और जैसे ही आप किसी को फोन करते हैं तो आपकी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल उसे शेयर हो जाती है। प्रॉक्सी इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है आपको प्राइवेसी, डिस्कवरेबिलिटी और इमर्सिव एक्सपीरियंस प्रोवाइड करके। मतलब मैं कैब में हूँ और मुझे प्रॉपर्टी व्यू करनी है, हो जाएगी इंदर? मैं घर बैठा हूँ और वाइफ के लिए दिल्ली की सरोजनी मार्केट से लाइव शॉपिंग करनी है, ये भी हो जाएगी इंदर? और अगर मैं मुंबई में हूँ और रिफाइनरी में एक जूनियर को रियल टाइम लाइव गाइड करना है, प्रॉक्सी से मुमकिन है। दोस्त, ये तो वरदान है। वरदान नहीं इंदर, टेक्नोलॉजी है। इन इन्वेंशंस के प्रॉक्सी के पास 6 पेटेंट्स ऑलरेडी ग्रांटेड हैं और मल्टीपल पेटेंट्स पेंडिंग है। हमारे प्रोडक्ट्स के मार्केट में 120,000 से ऊपर प्री ऑर्डर्स हैं जिसकी टोटल ऑर्डर बुक वैल्यू 10 करोड़ से ऊपर है। हम मांग रहे हैं 35 लाख रुपए 1% इक्विटी के लिए। सो शार्क्स, हु ऑल विल जॉइन अस एंड बी एवरीवेयर। पुलकित, इंदर शार्क टैंक में आपका स्वागत है। आप कहाँ के हो, कहाँ बड़े हुए, एक दूसरे को कैसे जानते हो, जरा बताएं। सो दिल्ली में पैदा और बड़े हुए, इंजीनियरिंग दिल्ली में ही करी, फिर MBA करी लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट से द्वारका, और वहाँ पे MBA गोल्ड मेडलिस्ट था, फर्स्ट वन जिसकी प्लेसमेंट हुई और स्टैंडर्ड एंड पुअर्स में आया एज अ रिसर्च एनालिस्ट। इंदर मेरे को वहाँ मिले 2012 में, ही वॉज माई 7 लेवल अप बॉस। वी गॉट टुगेदर, जेल टुगेदर बहुत अच्छे से। 1.5 साल में रियलाइज हो गया कि जॉब नहीं करनी है। आई जस्ट केप्ट इन टच विद हिम, उससे फिर बात करते करते मैं कहा जब एक मौका मिलेगा लाइफ में तो डेफिनेटली वी विल वर्क टुगेदर। तो इसने प्रॉक्सी का जब आइडिया बताया, मैंने इसको कहा कि मुझे लेट मी स्लीप ओवर इट, मेरे को एक दिन दे, मैं तेरे को बताता हूँ इसका कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। ये कौन से साल में हुआ? पिछले साल जून में। देख सकता हूँ मैं कैप? हाँ जी सर। और ये कैप 360 डिग्री कैसे होगा? नहीं, ये 360 नहीं है, 360 ये वाला है जो हेलमेट है। 4 डोमेन्स में इसके यूज केसेस हैं जो हमने कवर करे हैं, जिसमें से एक तो ये मल्टी पेमेंट गेटवे ऑडियो बॉक्स है। हमने क्या करा, इसको सारे मर्चेंट्स के लिए, सारे पेमेंट गेटवेज के लिए इनेबल कर दिया। मतलब इससे वीडियो कॉमर्स भी हो जाएगा और साउंड बॉक्स के लिए हमेशा ऑन भी रहेगा। दूसरा वेयर हाउसिंग में यूज़ हो रहा है। हमारे पास एक वन ऑफ द बिगेस्ट फूड स्टार्टअप्स के साथ फाइनल स्टेजेस चल रहे हैं, रेट नेगोशिएशन हो चुका है। आपका जितना भी वेयर हाउसिंग में आप स्कैन करते हो वो आप टैप को स्कैन कर सकते हो और उसको डाल सकते हो, और इसमें वॉइस भी है तो जो साउंड बॉक्स में भी यूज़ होता है, तो आप उनको बता सकते हो कि नेक्स्ट आइटम इस ऑर्डर की ये है। एंड साथ साथ ये वीडियो भी रिकॉर्ड करता है पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पिलफरेज भी जीरो हो जाता है। सिंपल वेयर हाउस में बारकोड स्कैनिंग की बात करते हैं, तो मैं अपने फोरहेड पे एक स्ट्रैप बांध के अगर बारकोड रीडर लगा लूं तो मेरा वेयर हाउस प्रॉब्लम तो सॉल्व हो रहा है ना, उसके लिए इसकी जरूरत नहीं है। वॉइस इनेबल भी करना पड़ेगा उसको, उसमें GPS भी देना पड़ेगा, और उसमें कैप का जो आपका पैटेंट है उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं यही काम एक स्ट्रैप पे डाल दूंगा तो आपका पैटेंट वैलिड नहीं रहेगा ना। बट एर्गोनॉमिकली स्ट्रैप पूरे टाइम तक पहना और कैप पहना थोड़ा कन्वीनियंट रहता है। मैं बताता हूँ इसका प्रोडक्ट का यूज केस हो सकता है। तू बहुत कंफ्यूज हो गया, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया। इसके ना बहुत सिंपल यूज केस बताता हूँ मैं तेरे को। हाई वैल्यू डिलीवरी है, ठीक है, ज्वेलरी डिलीवरी होती है, फोन्स की डिलीवरी होती है, पिलफरेज यहाँ पे होती है। अगर आप ये बोल रहे हो कि मैंने डिलीवरी को बेच दिया ये, और डिलीवरी के जितने एजेंट्स हैं वो पहन के आ रहे हैं, सिर्फ जब वो घंटी बजा रहे हैं ना उस टाइम अगर उसने अपना ऑन कर लिया कि सर मैं डिलीवरी करके आया हूँ बॉक्स, उसका यूज केस है। आपको वो सॉल्व करना था। अब उसको आपने उसमें 10 चीज़ें डालने की कोशिश कर दी कि मैं साउंड भी डाल दूं, ये भी कर दूं, वो भी कर दूं, उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। दूसरी चीज़ जो आप बोल रहे हो फूड कंपनी में, इवन ग्रोफर्स में जब मैं था हमारे को बहुत रेलेवेंट यूज केस लगता था कि पिलफरेज हर लेवल पे होती थी।
तो अगर एक बंदा एक बॉडी कैम या हेड पे कैम पहन के है तो आप चाहे उसको चेक भी ना कर रहे हो, ठीक है, पर एक डेटरेंट बन जाता है। मेरे लिए बहुत बड़ा यूज केस है, मैं आपको बताता हूँ। हमको KYC करना होता है, ठीक है, तो जैसे मेरा QR लगा है, जब मेरा बंदा QR लगाने जाता है मैं भी उसको बोलता हूँ तो उसकी पिक्चर ले, बट अगर ये ऑलरेडी वो कैप पहन के जा ही रहा है उसको कुछ करने ही नहीं है, वो QR लगा के आ गया, सब रिकॉर्ड हो गया उसमें और मेरा KYC हो गया। लोन का जो जैसे अगर आपको लेंडिंग करनी है किसी को, RBI की रेगुलेशन है कि आपका वीडियो KYC होना चाहिए, ठीक है। अब तुम ब्रांच में बैठ के KYC करो या एक कैमरा लगा दो वहाँ से वीडियो KYC हो रहा है, तो यूज केस बहुत सारे हैं। तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि तू 10 चीजों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। इंदर आप क्या करते हैं, आप बड़े चुपचाप खड़े हुए हैं। मैं एग्जीक्यूशन में थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग बिलीव, ही इज अ इनोवेटर, ही इज एन इन्वेंटर। तो इक्विटी स्प्लिट कैसे है दोनों में? 13% इंदर के पास है, 13%। हां जी, एंड ही इज द CEO इन अ सेंस, चीफ प्रोडक्शन ऑफिसर, चीफ प्रोडक्शन। और आपके पास 57%। फंडामेंटली आप एक टेक्नोलॉजी कंपनी हो, डू यू एग्री और डिसएग्री? वी आर अ प्रोडक्ट कंपनी, वी अंडरस्टैंड द पल्स ऑफ द मार्केट एंड हम प्रोडक्ट्स को इनोवेट करते हैं उसके हिसाब से। अदरवाइज हमें ऑडियो बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं थी, जैसे आपने कहा। हम सीधा हमारे पास इंश्योरेंस से कॉन्ट्रैक्ट्स थे, बट हमें ये भी समझ आया कि यार एक स्पीकर इसमें डाल दो तो जो आपका सर्विसेबल मार्केट है। भाई स्पीकर भी डाल दियो, सोलर पैनल भी डाल दियो। आप मुझे बताइए, आप फोकस कर सकते हैं या क्योंकि आप इन्वेंटर है ना तो आप हमेशा कॉन्स्टेंटली इन्वेंट करना चाहते हैं, तो किसी को तो बिजनेस चलाना पड़ेगा ना एक इन्वेंशन को लेके स्केल करने में। That is a headache that I deal with. That is what we do. That is what you do. पुलकित, मैं काफी सोच रहा था इसके बारे में, काफी इंटरेस्टिंग लगा, लेकिन मुझे क्या लग रहा है ना, आपको समझ नहीं है आप क्या हो। आप जब आए आपने कहा आप क्या क्या हो, इन्वेंटर हो, सीरियल एंटरप्रेन्योर हो, ऑथर हो। गूगल बाय गॉड एक बुक लिखी थी मैंने, गूगल बाय गॉड, चलो ठीक है आप ऑथर भी हो। जो प्रोडक्ट में पैसा लग रहा है, मुझे मार्केट दिख रही है, वो मुझे तेजी से कमोडिटाइज होते हुए दिख रहा है। आप बना भी दोगे, यहाँ भी ऑर्डर मिल जाएंगे, बाहर भी मिल जाएंगे, लेकिन वहां पे आपकी कोई डिफेंसिबिलिटी नहीं है, इस वजह से मैं आउट हूं। लेकिन आई एडवाइस यू, प्लीज फाइंड फोकस एंड देन बिल्ड अ बिजनेस। गुड लक। मुझे लगता है कि आपको ना एक सेल्समैन की जरूरत है, रॉकेट सिंह की तरह सेल्समैन होना चाहिए, जो आए यहाँ पे वो सिंपल कुछ नहीं करता, ये लेके आता और कुछ कंफ्यूजन नहीं करता ना। आपने कहीं गोल्ड स्टैंडर्ड, आपको जहाँ जहाँ गोल्ड मिला, जहाँ जहाँ फर्स्ट आए हो, जो जो आपने बुक्स लिखी हैं, जो जो आपने इन्वेंशंस करी हैं, कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती। मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आपको ऑर्डर मिल जाता। मैं अभी इस रीजन से आउट हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आपको थोड़ी सी इन चीज़ों की मैच्योरिटी की जरूरत है और सेल्समैन की जरूरत है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां मेरा एक्सपर्टीज नहीं है और मैं ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगी। आई एम आउट, बट आई विश यू द वेरी बेस्ट, कीप अप द गुड वर्क। चलो यार, एक ऑफर दे रहे हैं आपको। मुझे लगता है आपको हेल्प की जरूरत है, थोड़ा फोकस की जरूरत है। प्रोडक्ट में टेक अच्छा है, UX मेनली है। मैं और अश्नीर साथ आएंगे, दो शार्क्स आएंगे, आपको हेल्प करेंगे। हमारे कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक पूरा बुके ऑफ कंपनीज है जो रिटेल कंपनीज को सोल्यूशन देते हैं, जैसे कंप्यूटर विजन की एक कंपनी है, अभी एक और कंपनी है जिसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं जो खाली लोकेशन बेस्ड इंटेलिजेंस देगी, वो भी रिटेल के लिए, तो वहाँ पे भी इसका एप्लीकेशन है। तीसरा, इसका हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग में मदद कर सकता हूँ मैं आपकी काफ़ी। तो हमारा ऑफर है आपको 35 लाख नहीं, क्योंकि हमें मीनिंगफुल इक्विटी चाहिए और हम दोनों स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स आएंगे, तो हम 50 लाख रुपये देंगे 10% के लिए आपको, दोनों 5-5% लेंगे। एक ऑफर हो गई, बाकी 3 शार्क्स आउट ही हैं, तो आई थिंक यू शुड रिस्पॉन्ड टू दैट। क्या लग रहा है? हमारे पास आपके लिए काउंटर ऑफर है, हमें 50 लाख रुपए चाहिए 2.5% इक्विटी के लिए, जिससे कंपनी की वैल्यूएशन बनती है 20 करोड़ रुपए। मैं एक प्रपोजल दूं? हाँ। अगर हम आपको, देखो इक्विटी हमको थोड़ा डिसेंट चाहिए और आप जो वैल्यूएशन मांग रहे हो वो भी एक्सट्रीम लग रहा है। What if we gave you 1 crore for 10%? डबल कर रहा हूँ मैं जो ऑफर दे रहा था, 50-50 लाख डालेंगे हम। Go for it. Let's do it. Can we have another 2 crores on valuation?
नहीं यार, आई थिंक ये ऑफर अच्छी है, उससे नीचे तो हमारे लिए फिर ये हमारे लिए भी बड़ी कमिटमेंट होनी चाहिए ना। नहीं, वी आर ओके विद इट, हमें परसेंटेज ठीक है, हम थोड़ा वैल्यूएशन पे कह रहे हैं कि हम मतलब हमारी यार वो हम हमारे पे छोड़ दो, हमारा पैसा लगा हुआ है तो आपकी कंपनी हमारे लिए भी तो इंपॉर्टेंट है ना, इसका नेक्स्ट राउंड कैसे हो, और उस मामले में मैं बिल्कुल फ्लेक्सिबल हूँ। अगर एनीथिंग मैं आज भी आपको कमिट कर रहा हूँ, जैसे हमें लगेगा कि कंपनी के लिए जो नुकसान दायक है, हम अपने आप फ्लेक्सिबल होंगे उसको एडजस्ट करने के लिए। पुलकित इंदर क्या करना चाहोगे, 1 2 3 करो यार। Go for it guys. ले ले ले। It's a deal. It's a deal. Good decision. Congratulations good guys. Good decision. Good luck. काम है यार, देखो. Good job. Lucky man. And I'm very excited about IoT and software put together. Happy to have you. Very nice. Thank you so much. बस फोकस करना है तेरे को। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।